नमस्कार सुप्रभात जय श्री राम राधे राधे दोस्तों। अभी छो हम गौरी कुंडमार देख सकता आप जन सैलाब जितना भी श्रद्धालु छिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। इतने ही लोग अभी ट्रैकिंग पर निकल भी गिनर इतने ही लोग अभी बाकी भी छिन देख सकता। तो बाबा जी की डोली अभी हमारे निकलने वाल छ और ट्रैक तब हमार शुरू वाल। अभी फिलहाल सभी लोग प्रातः कालीन का दर्शन होना छिन भगवान जी का। एक बार फिर डोली एक बड़े चलेल मथे खुण मैल तरह बिना योज रस्ता तो थोड़ा बहुत चल चल पहुंच गया अब जंगल चट्टी में। तो यह हम आप थे देख सकता है दुकान वगैरह मिल जाए जिनकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए किया दिक्कत छ पानी वाणी का। तो पानी वाणी की बोतल आप यहाँ मिल जाए और एप्पल वगैरह फ्रूटी वगैरह लिमका वगैरह चिप्स कुरकुरे हल्कू और चाय पराठा वगैरह भोजन आदि मिल जाए हमें। अगर आप मुड़ी बटे बुक आना छो तो हम आप रेस्ट करें आराम से इंजॉय ले सको। देखो बुजुर्ग भी कन कन जाना चाहिए देखो यात्रा जून करण चून करनी देख सकता। तो भाई लोग भी हमारे दगड़ दगड़ ट्रैकिंग करे गाना छे तो पूछ रहे छोड़ कना कना छे। भैया नमस्ते हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से हो भैया? पानीपत से जी। क्या नाम है आपका? हार्दिक। हार्दिक? हाँ जी। तो पहली बार आए हो आप? हाँ जी सर। कैसी लग रही है चढ़ाई? बहुत अच्छा जय बोलेगी जय बोलेगी। और साथ में भैया भैया नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? वंश। वंश वंश कैसी लग रही है चढ़ाई? अच्छी लग रही है। अरे मजा आ रहा है? मजा मजा। चलो ठीक है। नमस्ते। आप क्यों शायद? फरीदाबाद। अच्छा फरीदाबाद से हो। कैसी लग रही है चढ़ाई? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। जय हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। तो कुछ लोग जलपान वगैरह करना चाहिए तो भाई मिली ना हम। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? हेमंत। कहाँ से आयो? फरीदाबाद। फरीदाबाद से जी। कैसा लग रहा है फरीदाबाद के मौसम में और यहाँ उत्तराखंड के मौसम? के मौसम तो बात ही अलग है। अभी मैंने सुना ऊपर बर्फ पड़ी है। देखेंगे जाके। इंजॉय हो गए वहाँ का? इंजॉय पूरा लेंगे। अब बाबा जी के दर्शन हो गए कि आप करोगे? बाबा जी के दर्शन करेंगे। हम नीचे से आए डोली के टाइम से। अच्छा डोली डोली के साथ आ रहे हैं। तो इन तरफ नौजवान चिन्हियो अति उजला गया भूख भाई थे हर मैं खाना जिन फंस रहा। भैया नमस्ते। राम राम जी। जय श्री महाकाल। कहाँ से हो आप? जी दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम हो आपका? मयंक नरूला। मयंक नरूला। तो केदारनाथ यात्रा का ट्रैक पहली बार है क्या? नहीं जी पांचवी बार आ रहा हूँ। पांचवी बार। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है कैसे फील हो रहा है इस बार? जी बहुत बढ़िया। जैसे हर बार लगता है बाबा बुला लेते हैं वैसे इस बार भी बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। जय श्री महाकाल जी। और यहाँ पे एक भैया है यहाँ पे काफी नहीं सो नहीं रहे थक लग गई इनको। भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका? भोले। भोले। अरे वाह गजब है। आपको थकान लग गई क्या थोड़ा? चलो सही है। नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या नाम हो आपका? आशीष। आशीष। तो मैगी कैसी बनी है सबसे पहले ये बताओ। अरे मैगी तो जबरदस्त है भाई। पहाड़ों पे तो मैगी खाने का ही मजा है। कितने रुपए की मिली है? रेट नहीं पूछते भाई। चलो सही है। अच्छा चलो यात्रा कैसी रही? बाप बढ़िया अच्छी चल रही है फिलहाल तो। चलो ठीक है। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आपका? गोलू। गोलू है। चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। सबसे पहले आपका नाम? प्रेम अरोड़ा पानीपत से। पानीपत से। कैसा लग रहा है फर्स्ट बार आए हो? नहीं सेकंड टाइम। अच्छा कैसा लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया। भीड़ कैसी है? अभी तो कपाट भी नहीं खुले हैं। कैसा लग रहा है? भीड़ फुल है। मौसम बहुत बढ़िया है। स्नोफॉल देखने का पूरा क्रेज है। देख और व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सब ओके रिपोर्ट है। चलो धन्यवाद। एंजॉय द जर्नी। ओके।
तो अभी यात्रक पहल सीजन ची मतलब अभी ओपनिंग नहीं हुआ, देख सकता अभी जो रह जाए गद्दा टेंट वगैरह ये जाना चाहिए नेपाली भाई बंधु तो वो लोग ले जाना चाहिए। किले की अभी यात्रा खुलनी च, जब हम पहुँच ला 25 तारीख यानी आज कपाट खुला ला बॉल मतलब आज 24 दिन बॉल 25 दिन तो 25 हमारे कपाट खुला तो वहाँ के तैयारी छे नीचा और कुछ माल खचरों में भी जाना चे, कुछ यात्री भी खचरम जाना चाहिए देख सकता आप। तो मेरी यात्रा तो पहली ट्रिप है लेकिन मैं ये बोल दो किले कि हमारे जो गढ़वा अलग लोग थे ना वो लोग कम लोग यात्रा में शामिल होने तो एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ अपड़ संस्कृति तो बढ़ाओ और यात्रा में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है भोलेनाथक नाम से, आप धीरे धीरे चलो जन मिचन उछो। हालांकि थोड़ा बहुत सांसक दिक्कत होने वाली है लेकिन बट फिर भी भोले आप लोग सब भोले के ऊपर छोड़ दो, भोले आप सुरक्षित पहुँचा लें और सुरक्षित घर भी ले जा है ना। तो बोलो हर हर महादेव। तो केदारनाथ च भी 12 किलोमीटर, भीमबली च 2 किलोमीटर, रुद्रा फॉल च 0.20 यानी 200 मीटर लगभग च। तो चलो चलता छो, तो यात्रा अभी देखो चलने लगी चाहिए। मिल गई भाई जी मेरे, नमस्ते। नमस्ते भैया, कहाँ से भैया? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से कैसे चल रही है यात्रा आपकी? सब बढ़िया। पहली बार आए हो कि यात्रा? नहीं, दूसरी बार। अच्छा दूसरी बार आए हो, इससे पहले कितने साल पहले आए थे? कोरोना से पहले। अच्छा कोरोना से पहले आए थे, यानी 2-3 साल बाद आ रहे हो? नहीं लगभग 5-6 साल बाद। 5-6 साल बाद। हाँ चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्ते। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? राखी। राखी पहली बार आ रहे हो? फर्स्ट टाइम। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? मतलब ठीक रहा। अच्छा कौन सी जगह से आप? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से, चलो बढ़िया। तो जो जो श्रद्धालु थे थक लग जानी चाहे वो एक किनारे बैठ जाना छीन, देख सकता काफ़ी दूर दूर बैठे लोग हैं यात्रीगण। तीन अतर भी कुछ यात्री बैठे अच्छे ना यखम सिंह ताऊ जी। ताऊ जी नमस्ते। हाँ बोले। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जुदाजीत भट्टाचार्य जी। गुजरात? नहीं बंगाल। अच्छा बंगाल। बंगाल नहीं आसाम, बंगाली फ्रॉम आसाम। अच्छा अच्छा बंगाली फ्रॉम आसाम। कैसी लग रही है चढ़ाई? आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। आंटी नमस्ते। नमस्ते, मैं रूपा भट्टाचार्य जी हूँ, मैं बंगाली हूँ। काम के सिलसिले में हम लोग मुंबई में रहते हैं, मैं टीचर। अच्छा। और मेरा भाई हमेशा यहाँ पे आते हैं, मतलब हमेशा मतलब साल में 2 बार, तो उसके ही मतलब बस में हम लोग चल दिए और सोचा अगर भोलेनाथ चाहे तो चल के ही जाएंगे, घोड़े नहीं लेंगे। नहीं घोड़े नहीं लेना, आप हमारे साथ चलो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो अभी पहुँच गए मैं भीमबली में और एक हम पुलिस चेक पोस्ट वगैरह भी प्रशासन पूर्व सजग च और एक हम लोग बाग होते मना करना छे यात्रा करना होने की। आज मौसम कुछ खराब चल हो ये वजह से एक हम भाई लोग पुलिसकर्मी जी बताना छे हम कि आगे नेता भी जाओ कि जब आप अगर रजिस्ट्रेशन हुआ या फिर आप अगर रुकना कोई साधन हुआ मतलब जन कैंप वगैरह है ना, तो बाकी लोग न तो खाम खा लोग होते दिक्कत हो जाए या तो परेशानी हो जाए बट फिर भी हमारा टेंट वगैरह ले जाओ छे। तो चलो एक बड़ा चल दो शौक ने। देख सकते हो अब पहुंच गए मैं रामबाड़ा और रामबाड़ा में मौसम देख सकते हो बारिश का गुणवल गिर गया पूरा मौसम और यात्रा भी यात्री लोग जाना छीन यात्रा चलने लगी मतलब देखो पूरा लोग आग मत्थी घूमना छीन और यात्रा भी कंटिन्यू आना छीन
तो एक गलती ये लोग करना चाहिए क्या, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं चाहिए कर दूसरी हो चुकी कपाट नहीं खुलें। ये लोग बहुत बड़ी गलती करना चाहिए जो पहले पहुँच जाना चाहिए। श्रद्धा अलग चीज़ की श्रद्धा से मतलब आप आ सकते हो, लेकिन इतना तादाद में बहुत ज़्यादा भीड़ जीना ओपनिंग सेरेमनी तगड़ी होने वाली तो बरसात एक सेटअप वगैरह पहने आलमी ना। तो चलो आप निकल दो है ना, अब ठीक अब यह हम बैठे खड़े चढ़े हुए हैं देखो, तो चलो चल दो। तो देखो कुछ लोग जाना छिन घोड़म, कुछ लोग जाना छिन लठटे के कान, और कुछ लोग हमर जान जाना छिन बिना लठक। देखो बेस श्री केदारनाथ धाम च 8.5 किलोमीटर यानी बेस कैंप रह गया 6.5, बड़ी लिंगचोली 3 और छोटी लिंगचोली 1 किलोमीटर है ना। तो ट्रैक अभी जारी है 8.5 किलोमीटर तो सफ़र और तय करना, तो चलो चल दो। तो यात्रा अभी लगभग कंटिन्यू चलनी लगी चा, क्योंकि घोड़म की खच्चरम की हेलीकॉप्टरम की अलग अलग हिसाब से लोग आना छीन अपड़ अपड़ से दबाव लेकिन। और एक भाजी एकदम देखो सही है, ये देखो थकान लग गए थे तो एकदम बेंच मिले तो रेस्ट के लिए थोड़ा सी एक प्राकृतिक जो आपदा है एक बार तो वे मंजर आप दिखा दें थोड़ा सी, ये देख सकते हो ये पूरी केदार घाटी च। और यो जो ढूंगाया छी यो मंजर भाया कर दो कि जब आपदा छे तो ये यक्के बड़े पानी बॉक्स है ना, ये रस्ते में लगदनो होल पानी जो आंदा ये घाटी बटे है। अभी पहुंच गए मैं चल चल सेक्टर में स्टेट छोटी लिंगचुली लिखी हमें तो यानी छोटी लिंगचुली जियो। और यात्रा भी कंटिन्यू चलने लगी